हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट किंग। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ गोल्ड स्पेनिंग के बारे में। दोस्तों, गोल्ड स्पेनिंग के बारे में पहले से मैंने एक वीडियो बनाया है। दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे दोस्तों आपने वीडियो के थंबनेल पे देख लिया, जो मेरा पहला लेवल यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है और सेकेंड लेवल के लिए दोस्तों मैंने जो पेमेंट भी कर दिया है और मेरा सेकेंड लेवल जो एक्टिवेट हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पे अकाउंट बनाया है तकरीबन मुझे यहाँ आज 14 दिन हो चुके हैं, ठीक है। और 14 दिन में दोस्तों जो है मुझे तकरीबन 4 दिन में ही जो है मेरा पहला लेवल का जो है पेमेंट है आ गया था, लेकिन दोस्तों सेकंड लेवल का जो है पेमेंट अभी नहीं आया है। दोस्तों नहीं आया है दोस्तों, इसका कारण ये है कि दोस्तों ये कंपनी अभी न्यू है, ठीक है। जैसे जैसे इसमें लोग जुड़ते जाएंगे, मेरा जो है सेकेंड लेवल कम्प्लीट हो जाएगा। इसका पेमेंट प्रूफ भी दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, इस अकाउंट में लॉगिन होकर भी दिखाऊंगा कि जो मेरा पहला लेवल का जो पेमेंट है और कितना आया है, कैसे आया है, ठीक है, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। अगर दोस्तों आप में से कोई काफ़ी लोग दोस्तों नए आए होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे, तो मैं उनको एक बार फिर से बता देता हूँ, इसके बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जब आप अकाउंट बनाते हैं दोस्तों, आपको 1000 पेमेंट करना होगा। 1000 पेमेंट करने के बाद दोस्तों आप जो है आपका जो आईडी है एक्टिवेट हो जाता है, और आईडी एक्टिवेट होने के बाद दोस्तों आपको फिर 3 लोगों से यहाँ पेमेंट आएगा, जो यहाँ पर टोटल तकरीबन 3000 रुपये होता है। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3000 होता है, तो फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट लेवल के सेकंड लेवल के दोस्तों जाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे इतना जो है पेमेंट देना होता है, ठीक है। पेमेंट जब आप यहाँ पे दे देंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे तकरीबन 9 लोगों दोस्तों आपको पेमेंट आता है फिर इतना इतना, ठीक है। तो इतना दोस्तों पेमेंट आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टोटल इतना हो जाता है, जिसमें दोस्तों आपको फिर थर्ड लेवल पर जाने के दोस्तों आपको यहाँ पे इतना पेमेंट करना होगा। इतना जब पेमेंट करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे जो है और किसी और मतलब आगे जो लेवल है उसके लिए पेमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है 3 लेवल ही है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब दोस्तों आप यहाँ पे थर्ड लेवल के इतना जो पेमेंट करते हैं, तो आपको यहाँ पे जो है इतने तकरीबन इतना लोगों से दोस्तों आपको इतना पेमेंट आएगा, जो टोटल तकरीबन आपका यहाँ पे जो भी है काट वगैरह मतलब यहाँ पे कुछ कमीशन वगैरह भी देना होता है। जैसे दोस्तों आप जब यहाँ पे प्लान आपको कम्प्लीट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे देना होता है तकरीबन 3000 आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ वगैरह कर देगा। वो दोस्तों आपके मर्जी के ऊपर है। अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहते तो नहीं दीजिए, ठीक है। और देने के बदले दोस्तों आपको यहाँ से कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट मिलेगा कुछ, ठीक है। और दोस्तों जब यहाँ पे आपका इतना जो पेमेंट है आप यहाँ से आप ले लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये दोस्तों ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसका अपडेट दोस्तों क्या है। दोस्तों कि मुझे तकरीबन यहाँ पे फर्स्ट लेवल कम्प्लीट किए हुए 9 दिन हो चुके हैं, और इसका स्टेटस क्या है और मुझे अब पेमेंट कब मिलेगा, वही सब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये समझाने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना है दोस्तों, तो आप यहाँ पे अकाउंट जरूर बनाइए, आप इसे छोड़िए नहीं, क्योंकि दोस्तों ये न्यू नहीं आया है, ठीक है दोस्तों। और न्यू का दोस्तों जो होता है इस ये हेल्पिंग प्लान है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया फर्स्ट हेल्पिंग प्लान ऑटो फिलिंग। दोस्तों ये ऑटो फिलिंग दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना, खुद ब खुद लोग आएंगे और आपके नीचे जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। सिंपल दोस्तों, आपको जब रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो सिंपल दोस्तों का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने इस पर कुछ पेज आएगा। और दोस्तों यहाँ पे आने के बाद दोस्तों, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सिंपल आप यहाँ रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा। और रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो है पेज खुल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों, अगर आप किसी का स्पॉन्सर आईडी देना चाहते हैं तो स्पॉन्सर आईडी दे दीजिए। अगर आप मेरा देना चाहते हैं दोस्तों, जो मेरा है स्पॉन्सर आईडी है, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप दे सकते हैं। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी देंगे, उसका नाम शो कर देगा जिसका भी स्पॉन्सर आईडी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे यूज़र आईडी और चुनना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पासवर्ड और पासवर्ड को फिर से आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नाम, उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद जो आपका कंट्री है उसे सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद स्टेट जो भी है आपका सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद सिटी जो है आपका सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे चेक मार्क करना होगा, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा, आपका जो अकाउंट बन जाएगा। अब दोस्तों जब आपका अकाउंट बन जाता है, उसके बाद आपको क्या प्रोसेस करना है उसके बारे में आपको थोड़ा बता दूंगा, ठीक है। तो सिंपल दोस्तों, जब आपका अकाउंट वगैरह बन जाएगा, तो आपके ईमेल पे एक शायद मैसेज आएगा, उसमें दोस्तों आपको उस मैसेज को दोस्तों क्लिक करके दोस्तों अपने अकाउंट को वेरीफाई करना होता है। और ये सब करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना होगा। और जैसे दोस्तों आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो है पेज खुल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों पेज खुलने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो आपको जो आपने यूजर आईडी उसमें डाला था, वो यूजर आईडी आपको यहाँ देना होगा। उसके बाद जो है पासवर्ड देना होगा, और देने के बाद सिंपल दोस्तों आपको यहाँ पे करना होगा लॉगिन।
और जिस दोस्तों आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं, आपका जो अकाउंट है ओपन हो जाता है। अब देख सकते दोस्तों, जो मेरा पहला लेवल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, मैंने सेकंड लेवल के लिए जो पेमेंट सेकंड लेवल के लिए जो पैसा है दोस्तों उसे मैंने पेमेंट कर दिया है, जो मेरे आगे का जो भी था उसे मैंने पेमेंट कर दिया है। अब दोस्तों जो मुझे यहाँ पे सेकंड लेवल का जो पेमेंट आएगा तकरीबन 2500 करके मुझे तकरीबन 9 लोगों से आएगा। और जैसे दोस्तों आ जाता है उसके बाद इसका जो 9 लोगों से पेमेंट आता है उसके बाद दोस्तों मुझे जो यहाँ पे और थर्ड लेवल के लिए यहाँ पे तकरीबन 15000 फिर देना होगा। उसके बाद दोस्तों मुझे तकरीबन इतना लोगों से 15-15 करके जो मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको दोस्तों यहाँ पे बता देता हूँ कि दोस्तों जब दोस्तों आप यहाँ पे आपका अकाउंट वगैरह बन जाता है दोस्तों, तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड नहीं खुलेगा, आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो है डैशबोर्ड खुलेगा। आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो डैशबोर्ड है यहाँ पे खुलेगा। और दोस्तों एक ज़रूरी चीज़ दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ, जब आप यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं तो आपको अपना अकाउंट जो है 24 घंटे के अंदर एक्टिवेट करना होता है, नहीं तो आपका जो अकाउंट एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको अकाउंट बनाना पड़ जाएगा। दोस्तों जब आप यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा। और यहाँ पे दोस्तों ये जो है दोस्तों उसका दोस्तों यहाँ पे डिटेल है जिससे आपको पेमेंट करना है, ठीक है। उसका दोस्तों यहाँ पे यूज़र आईडी, नाम और अकाउंट नंबर, बैंक ब्रांच, आईएफएससी कोड और जो भी डिटेल है उसका शो करेंगे। सबसे पहले दोस्तों पेमेंट करने से पहले दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि उसे कॉल करके उसका जो अकाउंट वगैरह है उसे वेरीफाई जरूर कर लें। जैसे दोस्तों आप पेमेंट करते हैं नेट बैंकिंग या फिर किसी और माध्यम से पेमेंट करते हैं, उसे बता दें किस माध्यम से पेमेंट करने वाले हैं। और पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो है फिल योर यहाँ पे दोस्तों एक जो भी दोस्तों आप पेमेंट डिटेल दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है। सबमिट करने के दोस्तों आप यहाँ पे चॉइस करेंगे दोस्तों कि आपको दोस्तों यहाँ पे क्या देना, मतलब किस तरीके से आपने पेमेंट किया, बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या फिर कैश, उसे आप चुन लें। उसके बाद डेट डाल दें जिस डेट को आपने पेमेंट किया, उसके बाद नेम और अमाउंट दोस्तों ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है जिस प्लान के लिए दोस्तों आप यहाँ पे पेमेंट करने वाले हैं। उसके बाद अकाउंट, बैंक नेम और ट्रांसफर आईडी का मतलब ये दोस्तों कि जो है रेफरेंस नंबर होता है उसे आपको यहाँ पर डालना होता है, जिसे हम IMPS नंबर भी कहते हैं, ठीक है। उसे आपको डालना होता है और डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक अटैचमेंट करना होता है जो स्क्रीनशॉट होता है या फिर पेमेंट स्लिप होता है। उसके बाद दोस्तों अगर आप कुछ नोट यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। जैसे दोस्तों हो सकता यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि प्लीज़ सर मेरा जो आईडी है आप एक्टिवेट कर दीजिए, ये वगैरह मैसेज आप लिख के यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको दोस्तों एक यहाँ पे स्लिप आ जाएगा और स्लिप में दोस्तों आपके यहाँ डिटेल वगैरह सब पेमेंट वगैरह सब चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा रिसीव, सॉरी यहाँ पे दिखेगा आपको पेंडिंग, ठीक है। जैसे दोस्तों आपका अकाउंट एक्टिवेट करता है आपको दिखेगा यहाँ पे रिसीव, ठीक है। दोस्तों पेमेंट करने के बाद उसे कॉल करें, उसके बाद बोले जो आपका आईडी उसे एक्टिवेट कर दे, और जैसे एक्टिवेट कर लेगा आपको यहाँ पे रिसीव दिखेगा। और दोस्तों ये जो है डैशबोर्ड, उसके बाद पेड मेंबर्स, ये जो चीज़ें आपके सामने शो करने लगेंगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जब आप पेमेंट वगैरह एक्टिवेट सब चीज़ कर देंगे तो जो आगे का प्रोसेस है आपको क्या क्या करना होगा, आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको इंतजार करना है। और दोस्तों अगर आपको दोस्तों कोई पेमेंट करना है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों अगर आपको कोई पेमेंट करता है तो आपको कॉल करेगा, ठीक है। कॉल करने के बाद दोस्तों उसका आईडी वगैरह कैसे आपको एक्सेप्ट करना है और क्या चीज़ें करनी है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले दोस्तों अगर कोई पेमेंट करता है फेक पेमेंट, दोस्तों फेक पेमेंट मतलब ये होता है दोस्तों कि जो आपका पेमेंट कर रहा है, मान लीजिए दोस्तों उसने पैसा नहीं दिया और यहाँ पे जो है सबमिट कर दिया, तो सबमिट कर दिया दोस्तों, तो उसका जो आईडी है आपको 24 घंटे का उसका जो आईडी का जो यहाँ पे आपको रिप्लाई देना होता है कि आप उसके आईडी को एक्टिवेट करने वाले हैं या फिर डिलीट करने वाले हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों उसने पेमेंट किया होगा तो आपको उसका जो आईडी एक्टिवेट करना हो तो कैसे एक्टिवेट करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों उसने पेमेंट नहीं किया तो यहाँ पे डिलीट मेंबर में जाइएगा और उसका आईडी जो है यहाँ पे डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद जो भी आपको पेमेंट करेगा या जो भी आपको स्लिप भेजेगा उसका जो है आईडी यहाँ पे, जैसे दोस्तों आप यहाँ पे डाउनलाइन में क्लिक करेंगे, ठीक है, देख सकते हो दोस्तों मेरा यहाँ पे खुलने वाला है। डाउनलाइन में जैसे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके डाउनलाइन में दोस्तों जो पेमेंट करेगा उसका डिटेल वगैरह आपको यहाँ पे शो करेगा। और दोस्तों शो करने के बाद वो सिंपल दोस्तों मान लीजिए उसको उसने पेमेंट कर दिया तो आपको कैसे एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करने के दोस्तों यहाँ पे पेमेंट पेंडिंग पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। और पेमेंट पेंडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप स्लिप दिखेगा, दोस्तों स्लिप पे दोस्तों यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन होगा जहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एक और विंडो खुलेगा, वहाँ पे भी आपको एक्टिवेट करना होगा, एक्टिवेट का एक ऑप्शन होगा वहाँ पे क्लिक करना होगा तो उसका जो आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार करके जो भी है जो भी पेमेंट करता है उसका आईडी आप एक्टिवेट कर देते हैं। अब दोस्तों किन किन लोगों का आप एक्टिवेट किए हैं उसका पूरा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको पेमेंट रिसीप पर क्लिक करना होगा। और पेमेंट रिसीप पर क्लिक करने के बाद दोस्तों किन किन लोगों का जो है आपने जो है पेमेंट रिसीव किया है और किन किन लोगों का जो अकाउंट आपने एक्टिवेट किया है वो आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यही दोस्तों और दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का दोस्तों मकसद यही था दोस्तों कि मैं आपको बताऊँ कि जो मेरा पहला लेवल है ये कंप्लीट हो चुका है,
गोल्ड स्पेनी दोस्तों कुछ ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप यहाँ पे जो है पैसा वगैरह आप यहाँ पे लगाते हैं तो आपको जो है यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह नहीं होता है दोस्तों। मैंने यहाँ पे दोस्तों लगाया दोस्तों और मुझे तकरीबन 4 दिन के अंदर ही पेमेंट जो है आ गए हैं दोस्तों। और ये दोस्तों काफ़ी छोटा प्लान है तो इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पे जो है आपका अकाउंट यहाँ पे बनाना ही चाहिए। और दोस्तों मैं आपको दोस्तों देखता हूँ दोस्तों और कोई चीज़ बताने वाली है दोस्तों, अब शायद इसमें शायद कुछ बताने वाले हैं नहीं दोस्तों। प्रोफाइल के बारे में दोस्तों बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो भी है डिटेल आपको दोस्तों चेंज करनी है अपने प्रोफाइल में दोस्तों आप जाकर चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो भी डिटेल है बैंक या जो भी मतलब आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है नाम वगैरह आप भी चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज नहीं कर सकते। नाम इसमें दोस्तों आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर और ये बैंक रिलेटेड जितना चीज़ है आप चेंज कर सकते, सिर्फ एक नाम ही है दोस्तों जो आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते दोस्तों। नाम वो ही डाले दोस्तों जो आपके बैंक अकाउंट में लिंक हो, ठीक है, खाते पर हो या फिर जो भी मतलब बैंक अकाउंट से जुड़ा हो गया हो, नाम वही डाले, ठीक है। तो दोस्तों ये यही था दोस्तों गोल्ड स्पेनिंग के बारे में दोस्तों। जैसे दोस्तों मुझे यहाँ पे पेमेंट आता है दोस्तों सेकंड लेवल का, उसके बाद दोस्तों मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और आपको फिर बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों अपना जो है अकाउंट बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आइए और अकाउंट बनाइए, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों और शेयर कीजिए कि इसके बारे में और भी लोग जान सके और लोग यहाँ पे जल्द से जल्द जुड़े जो, और यहाँ पे जुड़ने से होगा दोस्तों कि हमारा आईडी फिर और आप जो आईडी बनाते हो आपका भी आईडी एक्टिवेट हो पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।